अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम क्लिपिंग मास पर बात करेंगे कि क्लिपिंग मास्क क्या होता है और किस तरीके से वर्किंग कर रहा है, और हम इससे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अपनी जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। लोगो मेकिंग में इस्तेमाल किया जाता है और अपनी मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आज हम देखते हैं क्लिपिंग मास्क। अच्छा, क्लिपिंग मास्क एक्चुअली होता क्या है, जिसके अंदर कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें क्लिप की जाती हैं, उनके एक्स्ट्रा एरियाज़ को हम हाइड करते हैं। दो तीन किस्म की चीज़ें बना लेते हैं, एक ये रेक्टेंगल बना लेते हैं, एक ये रेक्टेंगल बना लेते हैं, इसी तरह हम कोई पॉलीगॉन वगैरह ये बना लेते हैं। तो ये मुख्तलिफ कलर्स की हमने कुछ चीज़ें अपनी बनाई हैं और इनको हम किसी भी एक मखसूस एरिए में दिखाना चाहते हैं। तो जैसे हम दिखाना चाहते हैं इसको इस स्टार में। अच्छा, स्टार के अंदर जितनी चीज़ें हैं वो नज़र आएँ और बाकी चीज़ें आपकी हाइड हो जाएं, तो हमें क्लिपिंग मास्क अप्लाई करना पड़ता है। क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन हमारे पास ये ऑब्जेक्ट में है, ये क्लिपिंग मास्क, और इसे हम कर देते हैं मेक। अच्छा, इसको मेक करने के लिए सबसे पहले बात तो यह है, जो मास्किंग एरिया है आपका वो वेक्टर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि जितने भी ऑब्जेक्ट आपने क्लिप करना है इसमें, उन सब के ऊपर होना चाहिए। और फिर आप तमाम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाके आप क्लिपिंग मास्क मेक कर देंगे, तो आपका ये बाहर का एरिया जो है वो सारा क्रॉप हो गया, या समझे हाइड हो गया। अच्छा, इसको हम जब चाहेंगे हम रिलीज़ क्लिपिंग मास्क भी कर सकते हैं, इसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे अभी अगर एक चीज़ हमने ये क्लिप की है, जैसे तीन ऑब्जेक्ट थे और इसमें हमने कुछ एडिट करना हो तो उसको एडिट भी किया जा सकता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब हम मास्क करते हैं किसी चीज़ को, तो जो मास्किंग एरिया होता है इसकी आउटलाइन आपकी नन हो जाती है। तो ये देखिए, यहाँ पर इसकी स्ट्रोक नन हो गई है, इसे जब आप चाहें तो स्ट्रोक को ब्लैक कर सकते हैं। तो ये आपके पास ब्लैक, आपके पास एक स्ट्रोक वो आ गई। अच्छा, ऐसे को अगर हम मज़ीद काम करना चाहते हैं इसके ऊपर, इसमें चेंज करना चाहते हैं, इसको रिलीज़ करना चाहते हैं, तो हम क्लिपिंग मास्क में जाने के बाद इसको रिलीज़ कर देंगे। तो हमारे पास तमाम चीज़ें बाहर आ गई और हम इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम सबको सेलेक्ट करके दोबारा से हम क्लिपिंग मास्क ये कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह हम कोई भी अपना एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसके अंदर कोई चीज़ बनाते हैं, हम लोगो मेकिंग वगैरह करते हैं, ये एक रेक्टेंगल जो है ये बना रहे हैं, इसके बाद हम ये एक स्पायरल टूल हमारे पास यहाँ मौजूद है, ये स्पायरल ले लेते हैं हम, और इससे हम अपनी कोई चीज़ जो है वो बनाते हैं। ये हमने एक रेक्टेंगल जो है, अपना एक स्पायरल जो है वो बनाया है छोटा सा, ये देखिए मैं स्पायरल बना रहा हूँ। और ये पेन टूल लेने के बाद इसको क्लिक करते हैं और आप ये मज़ीद ये क्लिक करें, ठीक है। इसके बाद हम इसे कॉपी इसमें फ्रंट कर लेते हैं और एक स्पायरल छोटा कर लेते हैं शिफ्ट प्रेस करके, और ये इसके साथ हम यहाँ लगा देते हैं। अच्छा, इसको हम रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था कि ये रिफ्लेक्ट किया आपने, ये कॉपी किया और इसको सेलेक्ट करके और शिफ्ट प्रेस करके आपने इसे यहाँ पर मूव कर लिया, ठीक है जी। इनको हम ग्रुप कर लेते हैं, और इसकी स्ट्रोक अगर चाहे तो थोड़ी सी वो हम बढ़ा लेते हैं ताकि हमें स्ट्रोक इसकी इजीली नज़र आती रहे। इसी तरह हम अगर इसको रखते हैं इस जगह पर, और इसको हम चाहते हैं कि जी इसका जो बाहर की लाइंस हैं वो हमारी हाइड हो जाएं और इनसाइड लाइंस हमें नज़र आती रहें, तो उसके लिए फिर हम क्लिपिंग मास्क कर लेंगे। अच्छा, क्लिपिंग मास्क में एक मसला तो ये है कि हमारे पास मास्किंग एरिया जो है वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और भी है कि अगर हमने इस मास्किंग एरिए में कोई कलर देना है तो उसका भी एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, कहीं कहीं पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी ये मास्किंग कर रहा हूँ मैं, तो मैंने ये रेक्टेंगल जो है सबसे ऊपर रख लिया, ठीक है, और स्पायरल्स जो थे उसके नीचे रख लिए, और मैंने इसको किया राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क। देखिए, मास्किंग एरिया ख़त्म हो गया, ठीक है। हालांकि इसको इसकी स्ट्रोक दी जा सकती है और इसके अंदर हम कलर भी इसका फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसमें कलर
अलग से दे देंगे तो वो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होगा, और मास्किंग एरिया को हम नन्ही रखें तो अच्छा है हमारे लिए। अब मैं इसको ये कलर दे देता हूँ और इसकी स्ट्रोक जो है इनके कलर को हम वाइट कर देते हैं, स्ट्रोक ये वाइट, ठीक है। और इसे हम कर देते हैं सेंट्रल लाइन, ब्रिंग टू फ्रंट कीजिए आप इसे, दोनों को सेलेक्ट करें, मेक क्लिपिंग मास्क, मास्किंग एरिया हमारा ख़त्म हो गया है। लेकिन ये ख़त्म हुआ नहीं है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन आगे चल के ज़रूर प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट करता है, तो इसलिए मैंने कहा था कि इसको आप कलर इसका वो दे दीजिएगा। अच्छा, अब इसमें हम एक कलर डाल देते हैं, ये हमारे पास चीज़ आ गई, और इसके ऊपर हम कुछ और चीज़ अपने बना लेते हैं। हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, इसका कलर हम रेड कर देते हैं, और देखिए 2 3 4 कंट्रोल डी करके। अच्छा, अब मैं इसको, ये मैंने इसको कॉर्नर में पहुंचा दिया, और ये इसका ये भी कॉर्नर पे है। मैं इन चारों बॉक्सेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था अलाइनमेंट, तो अलाइनमेंट में हमारे पास ये 3 तो अलाइनमेंट थी, इसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन भी है। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑब्जेक्ट को आप इसमें वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, हम इसमें हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं। आप ये देखिए, इसका स्पेस ज़्यादा है, इसका स्पेस कम है, तो हम सबके स्पेस इक्वल करना चाहते हैं, तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर। तो ये तमाम आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल डिस्टेंस के साथ वो हो गई है, और इसको आप ये ग्रुप कर लें, तो आपके पास एक ये लोगो जो है वो इजीली बन गया। अच्छा, इसी तरह हम अगर कोई और चीज़ अपनी बनाना चाहते हैं, जैसे आपने ग्लोब देखा होगा जो मोस्टली हमारे पास इस्तेमाल होता है, तो उस एक ग्लोब बना लेते हैं। तो ये एलिप्स टूल लीजिए आप, और ये सर्किल लेते हैं हम एक, ठीक है जी। सर्किल लेने के बाद हम एक स्ट्रोक वो ड्रॉ करते हैं, ये स्ट्रोक आपके पास लाइन सेगमेंट है, ये आपने लाइन ड्रॉ की, और रोटेट टूल लीजिएगा, और इसको हम 90 डिग्री करके कॉपी ले लेंगे, एक लाइन और हो गई। इन दोनों को, तीनों ऑब्जेक्ट को सेंट्रल लाइन करना है, अलाइनमेंट में जाएंगे सेंट्रल लाइन और सेंट्रल लाइन, ये आपके पास मिड पॉइंट इसका आ गया है। और इसके बाद हम पेन टूल से इधर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करके ड्रैग करेंगे, और इसकी डायरेक्शन को 90 डिग्री रखेंगे, क्योंकि ये टेंजेंट एक बनेगा आपका, जिस एंगल से आपके पास ऊपर से कर्व आ रहा है उसी एंगल से नीचे ये कर्व चला जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके आप छोड़ देंगे सिर्फ, ठीक है जी। तो ये आपके पास एक कर्व आ गया। इसी तरह हम इसको कॉपी और पेस्ट इन फ्रंट करते हैं, और इसका मिड पॉइंट सेलेक्ट करके हम इसको पीछे की तरफ मूव कर लेते हैं, और हल्का सा इसका कर्व जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये आपके पास ये एक कर्व जो है इसका वो बन गया है, ठीक है जी। और ये हम हल्का सा इसको सही कर लेते हैं, और हमने एक साइड बना ली है, तो दूसरी साइड हम रिफ्लेक्ट कर लेंगे। इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए आप, और ट्रांसफॉर्म, और ये रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट में आपने किया कॉपी, और शिफ्ट प्रेस करके इसको आपने ये मूव कर दिया। अच्छा, इसी तरह हम पेन टूल से इसको भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक टूल और भी है। पेन टूल से अगर हम इसको कर्व बनाना चाहें, जैसे हमने अभी ये लेफ्ट राइट साइड के बनाए थे, हम ये एक स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं, ठीक है जी। और हमारे पास एक टूल इलस्ट्रेटर में होता है रीशेप टूल, इसका काम ये होता है कि आपकी स्ट्रोक को कर्व कर देता है, यानी कि कहीं से भी पकड़ेंगे आप उसको कर्व कर देंगे, ठीक है। तो कंट्रोल जेड कर देते हैं, और इसको सेंटर से पकड़कर और इस तरह मूव कर देते हैं, ठीक है जी। और इसको पकड़ेंगे आप, ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके नीचे लाए आप, और आपने कंट्रोल डी कर दिया, तो ये तीन लाइन्स आपके पास यहाँ आ गई हैं। और इन तीनों को सिलेक्ट करके आप फिर दोबारा जाएंगे हम ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में रिफ्लेक्ट, और रिफ्लेक्ट में आप हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्ट या फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और कॉपी बनाया आपने, इसको स्लैक किया, शिफ्ट प्रेस करके ऊपर ले गए, ठीक है जी।
अब ये लाइंस हमारी जो हैं ये इस सर्किल से बाहर जा रही हैं, और सर्किल जो है हमारा वो चूँकि हमने सबसे पहले बनाया था तो ये सबसे पीछे मौजूद है। तो इस सर्किल को हम सबसे पहले आगे लाएंगे। मैं कलर डाल के दिखा देता हूँ, देखो सर्किल ही सबसे पीछे है, ठीक है। हम इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे, अरेंज में जाके हमने इसको ब्रिंग टू फ्रंट किया, ठीक है। और इसके अंदर से हमें ये लाइंस जो हैं वो हाइड करनी है, तो इन तमाम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट में जाकर क्लिपिंग मास्क मेक कर देंगे, ठीक है। ये लाइन देखिए, अभी मैंने आपसे कहा था ये लाइन गायब हो जाती है मास्किंग एरिया की, तो इसे सिलेक्ट करेंगे आप और लाइन को स्ट्रोक को इसके ब्लैक कर देंगे, तो ये आपके पास एक ग्लूप बन गया। अच्छा, अब इसके अंदर आपने कुछ कलर्स डालने हैं और मैप्स वगैरह बनाने हैं, तो हमारे पास ये पेंसिल टूल यहाँ पर मौजूद है जो कि फ्री हैंड ड्राइंग करती है। तो हम इसको ड्रैग करके सिर्फ कोई भी, ये देखिए मैं इस तरीके से एक एरिया बना देता हूँ और इस तरीके से मैं एक एरिया यहाँ बना देता हूँ और एक एरिया हम ये बना देते हैं, ठीक है जी। तो ये आपने लिया रेड कलर कर दिया, इसको इसे सेलेक्ट किया आपने येलो कलर कर दिया, इसे सेलेक्ट किया आपने ये ग्रीन कलर कर दिया, और इन ऑब्जेक्ट को भी हमने इसके अंदर लेकर जाना है, तो इन सबको सेलेक्ट करेंगे और हम अरेंज में जाके सेंड टू बैक कर देंगे, और इन सबको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और मेक क्लिपिंग मास्क, स्ट्रोक इसका ये ब्लैक कर देंगे, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सर्किल को हम सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद हम इसमें कलर जो है वो इसका लाइट कलर जो है वो अप्लाई कर देंगे। ये आप सिलेक्ट करेंगे और ये लाइट कलर आप इसके अंदर अप्लाई कर देंगे, तो आपके पास ये एक ग्लोब जो है वो बन गया। और इसको अब आप इस तरह से बना लें या आप ग्लोब को इस तरह से बना लें, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्लिपिंग मास्क के थ्रू ये तमाम चीज़ें आपकी बन गई। या अगर हम अगर इनको फॉन्ट्स में अप्लाई करना चाहते हैं, किसी मैटर के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं टाइप टूल ले लेता हूँ यहाँ से, और टाइप टूल लेकर मैं लिख देता हूँ कोई नाम, जैसे मैं लिख देता हूँ यूनिवर्सल, ये मैंने एक का ठीक है, और ये हमने इसका फॉन्ट लिया, इसको हमने बोल्ड कर दिया, और इसके अंदर मैं कुछ कलर देना चाहता हूँ, हाफ एक कलर हो जाए हाफ दूसरा कलर हो जाए, ठीक है। तो फिर हम इसमें एक, ये देखिए मैं ये एक सर्किल ले रहा हूँ, इसका कलर मैंने कर दिया ये, फॉन्ट को आप ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे और इन दोनों को सिलेक्ट करके आप कर देंगे मेक क्लिपिंग मास्क, ठीक है। और ये जो फॉन्ट है आपके पास इसको आप कलर का ये चेंज कर देंगे, तो ये आपके पास एक यूनिवर्सल लिखा हुआ आ गया और इसके अंदर दोनों कलर्स इसके अलग अलग होगा। अब इसकी अगर आप स्ट्रोक देना चाहते हैं तो आप स्ट्रोक दे सकते हैं, ये आपने स्ट्रोक दे दी, और अगर आप स्ट्रोक नहीं देना चाहते तो आप स्ट्रोक नहीं दें, ठीक है जी। तो ये आपके पास एक बहुत अच्छा सा आर्टवर्क जो है आपके पास बनकर आ गया है, इसको आप यूनिवर्सल को यहाँ भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, और जैसे चाहें वैसे कर लें। तो आज की क्लास हम इतने रखते हैं, तो नेक्स्ट क्लास पे इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।